हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग अच्छे हो, मगर स्टे एट होम। और आज मेरा ये क्लास देने का एक ही रीज़न है, और कुछ क्लासेस ऐसे ही होगा ऑनलाइन, नॉट लाइव, बिकॉज तुम लोग पता ही होगा कि अभी सब कुछ लॉकआउट है, सब कुछ ब्लॉक्ड है, ठीक है। आने जाने का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो दैट्स वही हम सोचे कि क्लास ऑफ रखने से अच्छा होगा कि जो क्लास चल रहा था उसको बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन में दे दे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेरी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो मुझको तुम लोग व्हाट्सएप के कोई भी मैसेज से हमको वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना, और हमको कॉल करके। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो लेबर कॉस्टिंग था, और लेबर कॉस्टिंग का हम लोग, मुझको जितना याद है, पीस रेट सिस्टम हम लोग कर लिए, ठीक है ना। तो पीस रेट सिस्टम का हम लोग का जो पोर्शंस था टेलर एंड मिरिक का, ठीक है, तो कुछ होमवर्क भी दिए थे। अभी तो हम होमवर्क नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो में। तो इसके बाद जो से पार्ट था वो था बोनस स्कीम। तो बोनस स्कीम से आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि हम लोग का ये क्लास ऑनलाइन में कंप्लीट हो, मतलब ये चैप्टर हम लोग का ऑनलाइन में हो जाए। मुझको 2 से 3 क्लास चाहिए, ठीक है। अगर 2 से 3 क्लास हम लोग ऑनलाइन में कर ले तो कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज अलाइव से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शैल बी स्टार्ट। हम लोग के पास ये बुक, सबके पास ही होगा, मेरा 51 नंबर, देखो पेज नंबर 30, 51 नंबर सवाल जो बोल रहा है बोनस स्कीम के बारे में। क्या बोल रहा है? एन एम्प्लॉयड द वर्किंग अंडर द बोनस स्कीम सेव्स द 12 आवर्स। सेव्स द 12 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि दैट इज अ टाइम सेव। हम लोग 51 नंबर कर रहे हैं, दैट इज अ टाइम सेव, तो टाइम सेव 12 आवर्स, ओके। उसके बाद क्या बोला? इन अ जॉब फॉर विच द स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड, ठीक है। यानी कि इतना आवर्स तुमको दिया गया था, तो 60 आवर्स दिया गया था, तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते कि 48 आवर्स हम लोग टाइम दिए थे? वो बोलकर सिंपल, और ये फॉर्मूला सबको पता होगा ही कि टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इक्वल्स टू टाइम सेव। तो अभी यहाँ पर उल्टा दे दिया था, टाइम सेव दे दिया था, टाइम अलाउड दे दिया था, तो टाइम टेकन निकल जाएगा, इसलिए सिंपल लग। ओके, बेसिकली क्या करने के लिए बोला है? कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय, जो हम लोग वर्कर को पेमेंट करेंगे वो एक निकालने के लिए दिया। इफ, यहाँ से सवाल थोड़ा सा मूव ऑन हो रहा, चेंज हो रहा। इफ इंसेंटिव बोनस एट द 10% ऑन द हॉली डे ऑन पेबल वेन द 100% एफिशियंसी इज अचीव। इसका मतलब क्या कि अगर कोई 100% एफिशियंसी परसेंटेज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, एफिशिएंसी हम लोग पीस रेट सिस्टम में भी निकाल लेते हैं। तो पीस रेट सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल प्रोडक्शंस बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शंस इनटू 100, मगर हम लोग साम्स जो कर रहे हैं वो टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इनटू 100, यानी कि इसका ऑपोजिट होता है। ये यूनिट के हिसाब से होता है और ये आवर्स के हिसाब से होता है, और इसका फॉर्मूला भी मेरे बुक का 21 नंबर पेज में मिल जाएगा, ठीक है, तो नॉट टू वरी। यानी कि यहाँ पर अगर लॉजिक का बात करें तो कोई अगर एफिशिएंसी लेवल किसी का 100% है तो उसको कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, 10% बोनस मिलेगा उसको, ठीक है। एंड अगर सर कोई 102% अचीव कर लिया तो उसके लिए भी लॉजिक है यहाँ पर। एंड द फर्दर इंसेंटिव द बोनस एंड द फर्दर इंसेंटिव द बोनस 10% आवरली रेट इस पार 1% एक्सेस ऑफ 100 एफिशिएंसी। यानी कि अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है, मान लो कि 2% 100 से, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दिया क्या है 102%, हमको नहीं पता है कि कितना निकलेगा, मगर एज्यूम कर लेते हैं कि 100, तो यहाँ पर 2% एक्सेस है 100 से, तो 100 के लिए कितना मिलेगा? 10%। तो 100 से कितना ज़्यादा अगर किसी का अचीव हो गया तो पार परसेंट में उसको एक करके मिलेगा, यानी कि 2% के लिए उसको एक्स्ट्रा 2% मिलेगा। सर 10%, 110 हो गया तो 10% मोर, यानी कि पहले 100 के लिए तो उसको 10% मिलेगा ही, और जो 110% वो अचीव किया फॉर एग्जांपल, तो वो 10 जो एक्सेस है, 100 से 10 जो एक्सेस है वो 10 के लिए और भी उसको 10 मिलेगा।
अगर सर 108 हो गया तो 8% के लिए 8 मिलेगा, यानी कि पार एक्सेस ऑफ 100 पार परसेंट के लिए उसको 1% करके एक्सेस मिलेगा। 105 हो गया तो 5% एक्स्ट्रा, 130 हो गया तो 30% एक्स्ट्रा, प्लस वो 100 के लिए जो 10% मिलेगा वो फिक्स है। यानी कि अगर 130% किसी को मिल गया, मतलब एफिशिएंसी लेवल है, तो उसको 40% बोनस मिलेगा, 40% 100 के लिए 10 एंड 30 के लिए 30। आई बात समझ में? तो यही बात था यहाँ पर। और एज्यूम द टाइम रेट, यानी कि उनको टाइम रेट भी दे दिया ₹10, तो सब कुछ ऑलमोस्ट दे दिया है, खाली ये सारा स्टोरी को हमको थोड़ा सा ठीक से करना है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी परसेंटेज बेसिस ऑन टाइम, क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इनटू 100। तो टाइम अलाउड कितना किया, 60, टाइम टेकन 48 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंटेज होता है, 125%। अब बात को समझना, यहां पर दो लॉजिक हुआ, एक कि वो 100% इक्वल टू 100% तो काम किया, तो उसके बेसिस में कितना मिलेगा उसको, 10% 100 का 10% मिलेगा, और 100 से कितना ज्यादा किया, मोर देन 100 कितना हुआ, इक्वल टू 25%। तो 25% एक्सेस के लिए, पार्ट परसेंटेज के लिए उसको 1%, इट इज 25 मल्टीप्लाई ऑफ 1, इट इज ऑल्सो 25, यानी कि टूगेदर उसको कितना परसेंटेज मिल रहा है, 35% ऑफ बोनस। सिंपल लॉजिक, ठीक है, ओके। देन हम लोग कंप्लीट कर लें टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला सिंपल है, टीटी इनटू टीआर। तो टीटी कितना, 48 आवर्स, टीआर कितना, ₹10 दे दो, बुक में भी वैसे दिया हुआ है देख सकते हो, 480 एंड बोनस कितना परसेंटेज मिलेगा, 35%। नाउ 35% ऑफ किसका, 480 का, ओके 480 का, 480 into 35%, नाउ 168 ऐड कर दो, 648 उसका अर्निंग, एंड दैट इज कंप्लीट सम्स। कितना इजी है, सेम, खाली एक ही बात को थोड़ा सा देखना, ये जगह को फिर से हम बोल दे रहे, और एक बार 100 के लिए 10% फिक्स्ड है, सर 90% हो गया तो एफिशिएंसी नहीं मिलेगा भाई, उसको 10% ही नहीं मिलेगा, बाकी का तो बात नहीं, बात है होगा ही नहीं, यानी कि मिनिमम उसको 100% अचीव करना है। तो 100% किया बंदा ने, चलो 10% दिए, और वो 100 से भी ज़्यादा किया, कितना परसेंट, 25%। तो 25% एक्सेस जितना भी परसेंट ऑफ 100 होगा उसके साथ 1% मोर, यानी कि 1% करके ईच परसेंट के लिए होगा, तो 25, ओके 100% से उसको उसने कितना ज़्यादा किया, 25, तो 25 पार्ट परसेंट के हिसाब से, 1% के हिसाब से 25% ही मिलेगा उसको, तो 25 मिल रहा है एंड एक्स्ट्रा 10%, तो उसको टोटल मिलेगा कितना, 35%, एंड 35% ऑफ किसका, बेसिक, हो गया सवाल, ठीक उठा ले। नेक्स्ट सम्स को देखो, 52 सेम सम्स है, सेम, एंड तुम लोग देख सकते हो कि 2005 में ये पहला बार सम्स आया था, 2013 में इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया, बाकी सब कुछ सेम है, तुम लोग खाली एक चीज को देख लेना, टाइम रेट इज 5, बाकी पूरा पूरी सेम है, एक बार ट्राई कर लेना, आई ओके मैच हो जाएगा। और 8 साल के बाद फिर से ये रिपीट किया था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर 52 के बाद हम लोग जो सम्स करेंगे, 52 इज होमवर्क, 53 सम्स रहेगा, 53 को हम लोग अभी करेंगे, ठीक है ना, 53 को अभी हम लोग करेंगे। 53, SB Limited employs its worker for a single shift,
ओके 8 आवर्स का काम होता है पूरा दिन भर, 25 डेज का काम होता है पूरा मंथ में. डिटेल्स ऑफ द वेजेस पेएबल एंड द वर्कर एज फॉलोस. ओके देख लो क्या क्या है ए बी सी करके. ए में क्या बोला, बेसिक वेजेस पर यूनिट 2 रुपए. बेसिक वेजेस पर यूनिट मतलब पर रेट के हिसाब से नहीं बोला, पर आवर्स रेट के लिए नहीं बोला, पर यूनिट 2 रुपए करके. और ब्रैकेट में क्या बोला, सब्जेक्ट टू गारंटेड मिनिमम वेजेस ऑफ ₹60 पर डे. मतलब ये कि सर अगर कोई 15 यूनिट बना रहे 15 यूनिट्स तो उसको 2 रुपए पर यूनिट के लिए 2 रुपए तो उसको 30 रुपए मिलेगा. मगर साम्स में क्या बोल रहा है कि भाई उसको मिनिमम मिलना ही है 60. मतलब क्या, अगर वो 15 यूनिट भी बना रहे यानी तो उसके लिए उसका वेजेस होना चाहिए था 30, मगर उसको 30 नहीं मिलेगा, 60 ही मिलेगा. अच्छी बात है, दयावान है कंपनी. और उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 नंबर में डीएनएस अलाउंस 40 पार डे. पार्ट डे ये सब वर्ड को पार्ट डे पार यूनिट ये सब को बहुत अच्छा से देखना. सो डीएनएस अलाउंस का मतलब हम थोड़ा सा बोलते हैं, वैसे ये टैक्स का एक वर्ड है. तो डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है कि हम लोग का स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देता है विद द सैलरी, यानी कि सैलरी के साथ और भी कुछ कैश बेनिफिट देता है जिससे उसका स्टैंडर्ड लिविंग को वो मेंटेन कर पाए. ठीक है, और ये सब हम लोग टैक्स में बहुत अच्छा से करेंगे, मगर यहाँ पर भी दिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल दिए. ठीक है, डीएनएस अलाउंस किसके लिए दिया जाता है, फॉर द स्टैंडर्ड लिविंग 40 पर डे. सी में क्या बोला, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे पर वर्कर 40 यूनिट्स. यानी कि सवाल तुमको मूव ऑन करके टाइम मतलब टाइम के हिसाब से तुमको यूनिट के साम्स करने के लिए बोल रहा है. पहला सवाल जो किए वो टाइम के हिसाब से था, आर्ट्स के हिसाब से, यहाँ पर तुमको यूनिट के बाद बोल रहा है. सर कैसे समझे भाई, तुमको स्टैंडर्ड आउटपुट तब नहीं बोलता, तुमको स्टैंडर्ड टाइम बोलता. बात समझ में आया ना. ओके तो एक दिन में वो कितना वर्कर लोग कितना बना सकता है, 40. ओके एक एक वर्कर बोला है, वर्कर्स नहीं ना. नीचे में डी में बहुत बड़ी बात बोला है, डी में क्या बोल रहा है, इंसेंटिव जो बोनस देगा उसको अप टू 80% एफिशिएंसी कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, यानी कि सर अगर किसी का 79 या 80 हो गया नहीं मिलेगा, 81 हो गया उसके नीचे है ना. बात क्या बोल रहा है देखो, अबव द 80% एफिशिएंसी ₹50. बात को गौर से पढ़ना, ₹50 फॉर एवरी 1% इंक्रीज द अबव 80%. यानी कि यहाँ पर बात को थोड़ा सा घुमा के बोला, यानी कि अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि किसी का एफिशिएंसी परसेंटेज 85% आया है, तो 80 तक तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, 80 तक उसको तो कुछ नहीं मिलेगा. और 80 से कितना ज्यादा किया, 5%, तो 5% के हिसाब से उसको ₹50 करके मिलेगा, यानी कि 1% करके उसको ₹50 मिलेगा, यानी कि 5% एक्स्ट्रा. तो 5 × ₹50 उसको मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, 250. ओके सर अगर 81% होता तो भाई 1% है ना, तो 1% के हिसाब से उसको एक ही बार मिलेगा यानी कि 50. यहाँ पर 5 गुना क्यों, क्योंकि वो 5% ज्यादा किया. सर 6% 300, 8% कर लो 400. ठीक है ऐसा. तो यहाँ पर ये बात था. दूसरी बात क्या बोला, द डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस 3 वर्कर ऑफ द मंथ जनवरी 2020 एज द फॉलो. 3 वर्कर है ए बी सी का. नंबर ऑफ डेज वर्क, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज क्यों दिया है, क्योंकि हमको डीएनएस अलाउंस को भी कैलकुलेट करना है, तो दैट्स व्हाई वो नंबर ऑफ डेज भी दिया है. और हर दिन में वो कितना कितना करके वो यूनिट बनाया है, जैसे कि ए ने 25 दिन में 820, 18 दिन में 500 और सी ने 25 दिन में 910. तो ऐसे ऐसे करके ये उन लोगों का क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शंस. और सिंस ये जो एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे वो कौन सा बेसिस में, प्रोडक्शंस बेसिस में. अगले सामने क्या था, आवर्स बेसिस में. यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस यूनिट के बेसिस में होगा. और लास्ट में क्या बोला, कैलकुलेटर टोटल अर्निंग जो नॉर्मली पूछता है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो उतना टाइम से फाइन से दरकार नहीं है, क्योंकि टाइम है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग एफिशिएंसी में चल जाएंगे. मगर उससे पहले हमको स्टैंडर्ड निकालना है, स्टैंडर्ड एक दिन में वो बोला है, एक दिन में वो 40 यूनिट बनाता है. नंबर कितना है, 53.
53, तो यहाँ पर लिखेंगे इन वन डे यूनिट प्रोड्यूस इक्वल्स टू 40 यूनिट्स. देयरफॉर इन कितना दिन वो लोग काम करता है, 25 डेज. इन 25 डेज यूनिट प्रोड्यूस 40 मल्टीप्लाई ऑफ 25, दैट इज 1000 यूनिट. भाई एक दिन में अगर वो 40 यूनिट बनाता है तो 25 दिन में 1000 ही बनाएगा. दैट इज अ सिंपल लॉजिक. ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन. ओके, नाउ एफिशिएंसी लेवल निकाल ही सकते हैं. एफिशिएंसी परसेंटेज बेसिस ऑन यूनिट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शंस बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शंस मल्टीप्लाई ऑफ 100. अभी ए बी सी का निकालना है तो ए का कितना बनाता है, 820 आउट ऑफ 1000 मल्टीप्लाई ऑफ 100 इक्वल्स टू ऑब्वियसली 82% होगा. बी ने कितना बनाना है, 500 आउट ऑफ 1000 का 50%. और सी ने बनाया 910 आउट ऑफ 1000 मल्टीप्लाई ऑफ 100 दैट इज 91%. अब यहाँ पर देखने वाली बात है, मेन बात तो यहाँ पर ही है. मेन बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो मुझको बोनस मिलेगा, देखो 80% तक नो बोनस. ओके, नाउ 80 से कितना ज्यादा काम किया, मतलब एफिशिएंसी लेवल कितना है 2%, तो पार 2% के हिसाब से, मतलब 2% के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो पार परसेंट में उसको कितना मिलेगा, पार 1% में उसको कितना मिलेगा, 50 रुपए. तो भाई यहाँ पर क्या होगा, 50 into 2 दैट इज 100. एक्सेस किया ना यहाँ पर नील, क्योंकि ये 80 क्रॉस नहीं किया, 80 किया ले तो उसको क्या बोनस मिलेगा, लेस देन 80 है, ठीक है ना, दिस लेस देन 80 लिख सकते हो, इसलिए नहीं. और ये 80 तक तो काम किया, मगर 80 से कितना ज्यादा काम किया, ग्रेटर देन 80 काम किया वो 11%. तो 11 पार 1% के लिए 11 मिलेगा उसको, 11 ऑफ रुपीस 50 यानी के 550 मिलेगा, 550 उसको बोनस मिलेगा. ओके, तो ये इसको 100 मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको 550 मिलेगा, एंड बाकी सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का काम. ओके, आई होप के समझ में आया होगा. तो सर अगर यहाँ पर 100% और एक चैन का अगर डी का अगर 100% होगा, मान लो कि डी है और वो 1000 ही बनाया, तो 100 मिला उसको, 100 into 100%, सो उसको 80 तक तो नील, 80 से कितना ज्यादा मिला, 20%, तो पार परसेंट के हिसाब से उसको 50 करके मिलेगा, तो 20% ज्यादा मिला. नाउ 20 into rupees 50 दैट इज 1000, तो उसको 1000 मिलेगा, सिंपल हो गया ना. चलो आगे बढ़ते, अब खाली हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को खाली वेजेस को कैलकुलेट करना है, बस खत्म करना. ओके, तो क्या लिखेंगे ऊपर में, टोटल वेजेस. ओके, तीनों का है ए बी सी. सबसे पहले बेसिक साम्स हम लोग किसके मोड में कर रहे हैं, यूनिट के मोड में. तो पहला बंदा ने, अच्छा फॉर्मूला लिख लो, एक्चुअल प्रोडक्शंस मल्टीप्लाई ऑफ रुपीज टू. रुपीज टू कहां से लाए, ए नंबर
एडजस्टमेंट में देख लो, ए नंबर एडजस्टमेंट में क्या बोला था कि बेसिक वेजेस पर यूनिट रुपीज टू, पर यूनिट मतलब जितना वो प्रोडक्शन किया, जैसे कि 820 बनाया कोई, 820 इंटू टू 316 40, 500 बनाया तो 1000, सब रुपीज में है ना, और सी ने बनाया था 910 यानी कि 1820। एड क्या बोला था बी में, डियोनिस अलाउंस, भाई डियोनिस अलाउंस में क्या बात था, पार्ट डे के हिसाब से 40, तो ऐसे लिख लो वर्किंग डे, वर्किंग डेज मल्टीप्लाई रुपीज 40, जितना जितना दिन वो लोग काम किया उसके हिसाब से उसको पार्टी के बेसिस में 40 करके मिलेगा। तो पहला बंदा ने 25 दिन काम किया तो 25 इंटू 40 इंटू 1000, यहाँ पर भी 1000 होगा क्योंकि सी ने भी 25 दिन ही काम किया, ये ने काम किया था 18 इंटू 40 यानी कि 720। एड बोनस, बोनस का बगल में लिख लो नोट वन, क्योंकि बोनस हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो ए को कितना मिला होगा 100 रुपये देख लो वर्किंग में, बी को कुछ नहीं क्योंकि वो 50% अचीव किया था, और इसको कितना मिला था 550, ऐड कर दो खत्म कहानी, 1760 2740 उसको 1720 ही मिला, तो इसको 1+1=2033 70 ये हो गया टोटल अर्निंग उन लोग का, इजी। ओके तो ऐसे ही ये वाला साउंड था, और सिमिलरिटी 54 को भी तुम लोग बनाओगे ऑब्वियसली, ये भी होमवर्क ही रहेगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग का ट्रेन था क्लास में भी कि एक साउंड जो हम कराएंगे उसका सिमिलरिटी तुम लोग बनाओगे, एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई करो, नहीं होता है हमसे पूछ लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एंड 2009 का ये सवाल था, 2017 में सेम केस था, खाली एक बार देख लेना उसको कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ ईच वर्कर 2000, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे दिया तो कोई ये नहीं बोला कि पार्ट डे में कितना बनाता है, टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 2000 यानी कि 1000 जो हम लोग निकाले थे 14 to 25 करके वो दे दिया, या अच्छी बात है, टाइम रेट वेजेस दे दिया, पार 5 रुपये करके पर यूनिट, तो 5 रुपये पर यूनिट दे दिया यानी कि ये जो 2 रुपये दिया था उसको 5 रुपये दिया, अच्छी बात है। बोनस में क्या बोला, रुपीज 100 वहां पर कितना था, रुपीज 50, रुपीज 100 फॉर ईच 2% इंक्रीज ओवर द 90% ऑफ स्टैंडर्ड। सर अगर 92% कोई ने अचीव किया, अगले साल में 80% था, यहां पर 90 है तो 90 के हिसाब से सोचना कितना ज्यादा किया, 2%, तो पार 2% के हिसाब से 100 रुपये यानी कि इसको यहां पर 100 रुपये ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2 × 100 रुपये, वहां पर 1% के लिए था, यहां पर 2% के लिए, बार बार बोल रहे जो चीज थोड़ा सा देख लेना। अगर सर कोई 95% अचीव किया तो नो प्रॉब्लम यार, अगर मान लो कि 2% के लिए उसको कितना दे रहा है 100, तो बाकी 2% के लिए भी 100 ही होगा, और कितना एक्स्ट्रा काम किया 1% ज्यादा मतलब 5% ज्यादा है ना, तो 2, 2, 4 और 1%, तो अगर 2% के लिए 100 है तो 1% के लिए उसका कितना होगा 50 बोनस, सिंपल हो गया ना, तो डरने का नहीं, ठीक है ना, डरने का नहीं, थोड़ा सा सोचना इजी है। उसके बाद क्या बोले, डीएनएस अलाउंस 50% ऑफ पीस वेजेस, मतलब जो भी ये वेजेस जो बेसिक होगा उसका 50% मारते रहना, यहाँ पर कोई पार्टी का बेसिस नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, और कौन कितना यूनिट प्रोडक्शन किया वो यहाँ पर दे दिया है 1900, ठीक है 1760 एंड 2120, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग को ये बेसिक होगा और एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे। ओके 17 होमवर्क, मतलब 2017 दैट इज 54 नंबर होमवर्क रहेगा करना। दूसरा टाइप में आते हैं हम लोग स्लाइडिंग स्केल, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा इजी है कि ये बहुत कम ही आता है,
ठीक है, फिर भी हम करा दे रहे हैं, चांस तो मिले, ठीक है। ओके, इसको पहले इरेज करते हैं। और एक बात, हो सके तो ये मतलब जब भी हम साम्स कर रहे ना, तब भी तुम सोचो कि तुम भी क्लासरूम में हो, कॉपी लेके बैठ जाओ, करो, ठीक है, पॉज करो उसको, करो पॉज करो, करो देन हो जाएगा। जैसे मतलब तुम लोगों को ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, ये फीलिंग्स लाओ, तभी जाके हो पाएगा। नहीं तो पूरा वीडियो देखोगे, साम्स को उठा लोगे, कुछ नहीं होगा। शाम को हम बार बार बोल रहे कि शाम से उठा के कुछ नहीं होता है, पहले समझो उसके बाद करो, ठीक है। स्लाइडिंग स्केल का बात क्या है? स्लाइडिंग स्केल का बात ये होता है कि हम लोग कर जैसे कि हलसे में है, हलसे में क्या होता है कि जो भी तुम टाइम सेव करोगे, जो भी जितना भी तुम टाइम सेव करोगे उसके ऊपर तुमको डायरेक्ट 50% मिलेगा। लोअर ने क्या बोला, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और वो थोड़ा सा एफिशिएंसी लेवल को हाई किया, TS by TA into TT into TA, ठीक है ना। यानी कि वो बोला कि ऐसे नहीं करने का, 50% डायरेक्ट नहीं देने का, उसका स्लॉट बनाओ और उसको ये बोलो कि तुम भाई जितना टाइम सेव कर पाओगे उसका एफिशिएंसी तुम्हारा ज़्यादा होगा, परसेंटेज भी हाई होगा। अच्छी बात है। मतलब स्लाइडिंग स्केल में क्या बोलता है कि तोड़ तोड़ के दो। जैसे कि किसी को अगर टैक्स के बारे में पता होगा, टैक्स जो हम लोग का इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स का जो स्लॉट है वो 2.5 लाख तक यानी कि 2,50,000 तक नील है, नो टैक्स है, ओके। यानी कि कोई अगर बंदा 2,50,000 भी कमाता है साल में तो उसको नो टैक्स। अच्छी बात। फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 5% स्लॉट बनाए, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबव 10 लाख इज 30%। तो तोड़ तोड़ के वो टैक्स देने, यानी कि अगर कोई बंदा 6 लाख तक कोई इनकम किया है तो उसको क्या होगा, 5 लाख 2.5 लाख तक तो नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 2.5 लाख होता है उसका 5%, यानी कि 12,500, 2.5 लाख का 5% 12,500, और एक्सेस कितना 6 लाख उसका इनकम था, तो उसको क्या पूरा 10 लाख तक उसको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, उसका 6 लाख है तो 6 लाख के ऊपर यानी कि कितना एक्सेस हुआ, 5 लाख से 6 लाख 1 लाख, तो 5 लाख से 10 लाख का रेंज में उसका 1 लाख आ रहा है, 1 लाख के ऊपर 20% 20,000, यानी कि उसका टोटल टैक्स कितना होगा, 32,500। उसके साथ और भी बहुत सारा चीज ऐड होता है, उसके बारे में हम नहीं जाने, मगर खाली इतना समझा रहे कि यहाँ पर स्लाइडिंग स्केल का मतलब होता है स्केल के हिसाब से स्लाइड, यानी कि तोड़ तोड़ के उसको करो, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम लोग स्लाइडिंग स्केल का 55 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे और करेंगे। ओके, स्लाइडिंग स्केल 55 नंबर। BS workers has introduced the following sliding scale for the worker. अच्छा, तुम लोग का ये डाउट हो सकता है, एक इंटरप्रेट कर रहे कि सर साम्स को कैसे समझेंगे कि साम्स क्या बोला है, कि क्या चार्ट। देखो, पूरा लेबर कॉस्टिंग में तुमको ये पूछेगा कि वेजेस निकालो, मगर वेजेस का हर चीज में अलग अलग बात हो रहा है, ठीक है ना। अब तुम लोग को ये समझ में भी आ गया कि ये एक ही टाइप का सवाल हो नहीं रहा, ठीक है ना, ये फीलिंग्स तो आ ही गया होगा 2-3 क्लास के बाद। अब तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि सवाल कैसे चेंज हो रहा है, वो चेंज को समझना, और ऑब्वियसली तुम लोग को वो हेल्प भी करेगा। जैसे कि देखो, अगर बोनस स्कीम का बात करो तो देखो 51 का एकदम पहला लाइन में बोल दिया था एंड द एम्प्लॉयड वर्किंग अंडर द बोनस स्कीम, ये वर्ड तुमको मेंशन कर दे रहा, यानी कि तुम समझ। अच्छा, बोनस स्कीम क्या किसका होता है, ये बात बोलते हैं इमर्सन का होता है। इमर्सन का जो फॉर्मूला होता है वो भी तुम 20 नंबर पेज में देख सकते हो, इमर्सन का जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस में ये चेंज हुआ है, ठीक है, और ये सामने है। और वहां पर उस 66 2/3 के हिसाब से था, यहाँ पर 80% 90% के हिसाब से, मगर करीबन वो फॉर्मूला के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को बोल देगा, जैसे कि स्लाइडिंग स्केल देखो यहाँ पर बोल दिया स्लाइडिंग स्केल। ओके, नाउ टू बी कंटिन्यू। अच्छा, ये जो बॉक्स में दिया है ये थोड़ा सा बाद में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तुम लोग अभी समझ नहीं पाओगे, बोलेंगे भी तो नीचे का पार्ट में आ जाओ। आर पाल एक वर्कर का नाम है, आ वर्कर फॉर द रेट पर आवर्स इज ₹2, यानी कि उसका टाइम रेट दे दिया ₹2। ओके, कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर जॉब इज 120, यानी कि टीटी कितना 120 आवर्स, और टीए टाइम अलाउड दे दिया, टाइम अलाउड 2 आवर्स 200 आवर्स।
तो बॉस टाइम से कितना होगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इक्वल्स टू 200 माइनस 120 इज 80, 80 घंटा वो बचा है उस बंदे का। अभी आपको करना क्या है, टाइम रेट तो दे दिया, कंप्यूट द इज अर्निंग। देखो स्लाइडिंग स्केल में तुमको क्या निकालना है सबसे पहले, उसके हिसाब से ये परसेंटेज तुम समझ पाओगे। तुमको ये 80 जो 80 आवर्स जो वो बचा है उसका वो टाइम अलाउड का कितना परसेंटेज, यानी कि तुमको टाइम सेव का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यानी कि जो फॉर्मूला हम लोग रोन में यूज करते हैं TS/TA फिर TT/TR हो जाता है, उसको उतना तक नहीं करेंगे, खाली TS/TA इंटू 100 मार देंगे तो एक परसेंटेज आ जाएगा। यानी कि सर क्या बोलने जा रहे आप, हम बोलने जा रहे हैं कि टाइम सेव का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टाइम सेव बाई टाइम अलाउड मल्टीप्लाई ऑफ 100। यानी कि टाइम सेव 80 आवर्स आउट ऑफ 200 तो वो कितना परसेंटेज ऑफ टाइम सेव किया, 40%। अब ये 40% जो तुम समझ गए कि 40% को कैलकुलेट कर दिए, अब तुम समझ पाओगे कि ऊपर में क्या बॉक्स में क्या बोला था। देखो यहाँ पर क्या बोला, विद इन द फर्स्ट, विद इन का मतलब होता है अप टू, यहाँ पर हाँ अप टू द फर्स्ट 10% इज सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड का 10% वो सेव करता है। अच्छा टाइम अलाउड का 10% सेव किया मतलब 200 का 10% 20 आवर्स सेव किया, 20 आवर्स के ऊपर क्या उसको बोनस मिलेगा, नहीं। अब क्या वो बात बोला, बोनस इज 40% ऑफ टाइम सेव, यानी कि वो 20 जो हुआ 200 का 10% 20 हुआ, वो 20 क्या हुआ टाइम सेव, मगर बोनस उस 20 के हिसाब से नहीं देगा, उस 20 का फिर 40% देगा। सिंपल देखो मत घबराना, देखो अप टू, अच्छा लॉजिक पहले लिख लो कि परसेंटेज ऑन टाइम अलाउड इक्वल्स टू टाइम सेव, देन टाइम सेव इनटू परसेंटेज इक्वल्स टू बोनस। आई बात समझ में, ओके ना, ये एक फॉर्मूला हमने बनाया जैसे रिकॉर्डिंग है। पहला कितना है अप टू 10% किसका 10% टाइम अलाउड का, सर टाइम अलाउड कितना है 200, तो 200 का 10% कितना टाइम सेव हो गया 20, ये हो गया टाइम सेव। फिर टाइम सेव का कितना परसेंटेज बोला है 40, तो 20 का 40% कितना सर 8, यानी कि 8 क्या हो गया बोनस। यानी कि वो अगर 10% तक काम करता है उसका टाइम सेव बचाता है तो वो 8 घंटा के हिसाब से उसको बोनस मिलेगा, मगर वो तो 40% बचा, 40% मतलब हो गया 80 घंटा बचा, तो और भी थोड़ा सा ये और भी बढ़ेगा। तो फिर क्या बोला, नेक्स्ट 20% ऑफ टाइम सेव इन द स्टैंडर्ड टाइम, वही सेम बात है यहाँ पर 20% बोला है, तो अप टू कितना लिखेंगे 20%, अप टू 20% ऑफ किसका टाइम अलाउड का, यानी कि इतना हो 40 आवर्स क्या हुआ टाइम सेव का क्या उसको पूरा मिलेगा, नहीं 40 आवर्स का 50% मिलेगा, तो 40 का 50 हो गया 20, यानी कि 20 घंटा के हिसाब से उसको बोनस मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 10 एंड 20 ले लिए, हमको कितना लेना है 40, तो यहाँ पर 30% तो हम लोग यूज कर लिए, तो अभी बैलेंस यहाँ पर 40 टोटल लिख लेना, ये टोटल है तो हमको और कितना चाहिए 10%, मगर सर नेक्स्ट में तो 30% बोला है, भाई 30% तो रेंज में नहीं जा रहा, वो तो 10% के हिसाब से ही काम खत्म हो जा रहा है ना, 30 का तो नहीं हो रहा। हाँ अगर यहाँ पर मान लो कि ये परसेंटेज अगर 40 नहीं हो के अगर होता 65, तो पहले हम लोग कितना ले लिए 10%, फिर ले लिए 20%, तो कितना हो गया 30% हो गया। अभी कितना और हमको देना है, और भी 30%, तो 35% एक्स्ट्रा देना है, तो ये 30% मेरा काम हो जाता है, और भी मुझको कितना परसेंट बचता 5%, वो 5% लास्ट का बैलेंस, ठीक है ना। यानी कि वो तुमको रेंज दे दिया, ऐसा नहीं कि वो हर रेंज को यूज करना है, तुमको ये रेंज उतना तक यूज करना है जितना तक तुम्हारा परसेंटेज,
ठीक है, ये बात को समझना। ओके नाउ 10% ऑफ किसका, वही 200 यानी कि 20 घंटा टाइम से हुआ, 20 घंटा का कितना मिलेगा सर? यहाँ पर भी क्या चेंज होगा, 60 का क्या हाफ हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर 60 का मतलब 60 यानी कि ये जो राइट साइड में जो परसेंटेज दिया उसमें चेंज मत करना, वो सेम है, वो फिक्स रहेगा। मगर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो परसेंटेज दिया है 10, 20, 30 वो तुमको रेंज के हिसाब से लेना पड़ेगा। ओके सर अब समझ गए ना। 12 तो उसको कितना घंटा देगा, 40 घंटा उसको क्या हुआ, बोनस के हिसाब से उसको देगा। यानी कि वो बंदा 80 घंटा बचाया था मगर उसको मिलेगा 40 घंटा। तो सर ये तो हलसे हो गए, नहीं ये हलसे के हिसाब से नहीं हुआ, हो सकता है कि दूसरा केस में दूसरा हो जाए, ठीक है तीसरा सांस में तीसरा कुछ हो जाए, तो ऐसा हलसे के मत सोचना कि हो गया है 50% मगर ये ऐसा डायरेक्ट 50% नहीं किया, भाई कष्ट किया ना हम लोग, ठीक है ना, ऐसे होगा सोचा आप लोग। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, अभी और काम कुछ बाकी नहीं है, ज्यादा सच बाकी नहीं है, थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, हम यहाँ पर ही कर दें एकदम यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तुम लोग नीचे करना, हम साइड में कर दे रहे हैं, ऊपर में लिखना टोटल वेजेस बेसिक फॉर्मूला वही TT इंटू TR, तो TT कितना था सर, TT था 120 मल्टीप्लाई ऑफ 2 रुपये यानी कि 240 रुपीज देना, 240 एड बोनस कितना मिलेगा 40 आवर्स, तो 40 आवर्स के हिसाब से रुपीज 2 यानी के 80 रुपये, 240 + 80 320, तो ये 320 हो गया टोटल वेजेस, काम खत्म सिंपल हो गया ना। यही बात था, इसको ही बोला जाता है स्लाइडिंग स्केल। 56 नंबर होमवर्क रहेगा, ठीक है फिर 57 हम लोग करेंगे इसलिए कर दे रहे, ये भी होमवर्क हो सकता था मगर देखो ये रेंज तुमको सेट कर दिया, ठीक है ना, मतलब ये डायरेक्ट 10% 20% नहीं बोला, 11 से 20 स्टैटिस्टिक्स के जैसा थोड़ा सा बोला, तो इसलिए ये वाला कर दे रहे, तो 56 तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा 57 में एक आंसर में डिफॉल्ट आ सकता है, वो होगा 68, देखो आंसर ए का 68 है, वो मुझको लगता है कि ये 66.5 कुछ होगा, 67 भी बोल सकते हो मगर 68 तो कतई नहीं होगा, ठीक है ना। आओ इसको इरेज कर दे, नंबर है 57। अच्छा अगले वाला नंबर नहीं लिखे थे 55, हाँ ये 57। अच्छा 57 में एक बात बोल दे, यहाँ पर ए बी सी का बात बोला है, 55 एंड 56 में एक ही वर्ड कर था, यहाँ पर तुमको तुम लोग को तीन तीन वर्ड का करना पड़ेगा, ठीक है हम तुम लोग को खाली ए वाला कर देंगे जिसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, बाकी बी का सी का तुम लोग घर पे कर लेना, ठीक है डेफिनेटली करना, कोई छूटना मत, ठीक है एज इट इज पढ़ाई तुम घर पे करो, क्योंकि वैसे भी तुम लोग का बोर होने का दिन आ गया, कितना गेम खेलोगे कितना मोबाइल चलाओगे, ठीक है ना समझ कर लेना। देखो क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर भी वही चीज होगा, टाइम सेव का परसेंटेज, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है 100 आवर्स, ठीक है ना। अच्छा 100 आवर्स का ए के लिए है, सबके लिए, ठीक है ना, तो टाइम अलाउड दे दिया 100, ए ने टाइम टेकन किया 60, बी ने 80, सी का 95, तो हम लोग ए का बना रहे फॉर ए, हम लोग ए का बना रहे, तो टाइम टेकन हो गया इस हिसाब से
60 यानी कि 40 घंटा बचाया है बंदा ने। 40 घंटा अगर बचाया तो उसका परसेंटेज क्या हुआ, टाइम से परसेंटेज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, टाइम से बाय टाइम अलाउ मल्टीप्लाई ऑफ 100। घर में भी ऐसे जब हम बोल रहे ऐसे बोलते रहो, जैसे क्लास में था वैसे करते रहो, ठीक है, हैबिचुअल हो जाएगा। सो 40/100 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100, तो यहाँ पर 40% ही होगा। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट सेम ही है, देखो ऊपर में बोल्ड करके देख पा रहे हो, टाइम सेव परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, हम एकदम खुल के लिखते हैं टाइम सेव क्या होगा, परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम कितना परसेंटेज होगा आई डोंट नो, वी डोंट नो, क्योंकि रेंज के हिसाब से होगा। और फिर बोनस क्या होगा, टाइम सेव का फिर ये परसेंटेज, और हम क्या बोले थे कि लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड में जो भी मेरा परसेंटेज है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई कम ज्यादा मत करना। जो लेफ्ट हैंड साइड का परसेंटेज है उसमें तुम लोग को रेंज तक लेना है, जितना रेंज जैसे कि यहाँ पर 40 तक हमको लेना है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर हमको लिखना है परसेंटेज ऑफ टाइम अलाउड, लिख लेना ये ऐसा, टाइम अलाउड इक्वल टू क्या होगा, टाइम सेव होगा, फिर टाइम सेव का, फिर टाइम सेव का कुछ परसेंटेज होगा जिससे हम लोग को बोनस मिलेगा। ओके, ये फॉर्मूला सेव हो गया। अप टू, पहले क्या बोला, अप टू 10%, 10% किसका, 10% ऑफ टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड कितना था 100 घंटा यानी कि 10, तो 10 के ऊपर 10 घंटा के ऊपर हमको फिर 10% करना है, तो 1 घंटा ये 10 है ना। फिर अप टू, अब देखो यहाँ पर रेंज बोला था, ये रेंज के लिए हम कर रहे 11 to 20 स्टैटिस्टिक्स याद करो, 11 to 20 नॉट 20, 11 मतलब 9 होता है, 11 से 20 कितना होता है, 11 से 20 10 होता है, ठीक है ना, याद है ना स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर भी 10 ही होगा। आई बात समझ में, मतलब रेंज का क्या चक्कर है, स्टैटिस्टिक्स समझना, फिर 10% ऑफ 100, तो यहाँ पर 10 इंटू कितना परसेंटेज, 15%, 15% ऑफ 10 इज 1.5, फिर 21 से 40 कितना होता है, 20% होता है। अभी देखो हम लोग कितना हमको दरकार है, 40%, क्योंकि 40% ऑफ टाइम से था ना, तो हमने 10 करके दो बार 20% ले लिया, हमको और चाहिए 20, तो ये जो 21 से 40 तक लेंगे उसके बाद और नहीं लेंगे क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस यहाँ पर टोटल 40% कर देना, बैलेंस कितना होगा 20%, और यहाँ पर 20% ही है तो पूरा ही ले सकते हैं, ऑफ 100 20 कितना होगा, 20 का 20% यानी कि 4, तो यहाँ पर बोनस कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 6.5, ठीक है, 6.5 घंटा, ये सब घंटा हुआ, ठीक है ना। अभी शॉर्ट में हम टोटल वेजेस भी निकाल दे रहे हैं, तो टोटल वेजेस हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, टोटल वेजेस बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, टी टी इंटू टी आर, तो टी टी कितना था 60 एंड टाइम रेट कितना था 1 रुपये, देख पा रहे हो ना नीचे दे दिया था 1 रुपये यानी कि 60, एड बोनस कितना घंटा का बोनस मिलेगा, 6.5 घंटा का, 6.5 घंटा इंटू 1 इज ऑल्सो 6.5, तो टोटल होगा 66.5, तो यहाँ पर वो आंसर गलत था, हम बोले थे 68 नहीं होगा, 66.5 होगा, ठीक है। और ऐसे ही बी का भी होगा, सी का भी होगा। अच्छा, सी का एक बार खाली बोल दे रहे, जैसे कि देखो सी का कितना टाइम अलाउ टाइम टेकन था 95, तो वो कितना घंटा बचाया, 100 घंटा दिया था तो 5 घंटा बचाया, तो टाइम सेव डिवाइडेड टाइम अलाउड इंटू 100, टाइम सेव हो गया 5 डिवाइडेड टाइम अलाउड 100 इंटू 100 इज 5%। अब इसका तो पहले रेंज में खत्म हो जाएगा, अब सर यहाँ पर तो सर 10% दिया है, अब
अब सर यहाँ पर तो 10% दिया है, तो 10% नहीं लेने का, 5% तक ही लेने का, क्योंकि रेंज है 10, मगर वो तो काम किया 5% के हिसाब से ना, तो उसको 5% मिलेगा किसका, 100 का, तो 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% 5 होता है, 5। फिर बोनस में कितना मिलेगा, वो 5 घंटा का 10%, तो 0.5, ठीक है ना, 0.5, तो बोनस उसका क्या होगा, 0.5 होगा, तो 0.5 × 1 दैट इज ऑल्सो 0.5, ठीक है, और उसका 95 तो बेसिक हो जाएगा, 95 × 1 दैट इज 95, तो 95 + 0.5 देख लो आंसर 95.50 है। तो यहाँ पर ये आंसर सही गलत नहीं है, एक बी का भी 83 के अप्रॉक्स 82 कुछ आज 82.5 ऐसा कुछ आ जाएगा, वो भी सही है, मगर ए का गलत था, ठीक है। 56 होमवर्क रहेगा, 52 होमवर्क रहेगा और 54 होमवर्क रहेगा, तीन होमवर्क दे रहे हैं, और 57 का जो ए एंड बी का है ये खाली ए का निकाले, ए का, बी का सी का नहीं निकाले, बी एंड सी तुम लोग निकाल लेना, वैसे मुंह से ही हो जाता है मगर फिर भी कॉपी में कर लेना, बाद में तुम लोग के दरकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वेज बिल और लेबर टर्नओवर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और एडिशनल प्रॉब्लम को हम लोग एक साथ ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा झेल है, और अगर और भी दिन एक्सटेंशन कर रहा है तो एडिशनल प्रॉब्लम को ऑनलाइन में हम लोग कर लेंगे, ठीक है।